अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल बार बार असाज़ा पूछ रहे हैं कि नक्शा समझ नहीं आ रहा, ब्लॉक की हदूद जो हैं उसकी कोई समझ नहीं आ रही, यहाँ पर जो मैप दिया हुआ है वो मैप इंतहाई इनविजिबल है, यानी मदम है, उससे कुछ खास पता नहीं चल रहा कि ये कौन सा एरिया है, कौन सी लोकेशन है और ब्लॉक की कौन सी हदूद हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रही। अभी 24 से 28 तक फील्ड में जो है वो यही काम हमने करना है कि आपने अपने ब्लॉक की हदूद जो है वो मुतय्यन करनी है, आपने चेक करना है कि आपका कौन सा ब्लॉक है और उसकी हदूद कहाँ कहाँ तक है। तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक ऐप मौजूद है, इनुमिरेशन ऐप। इसके अंदर अगर हम जाएँ तो यहाँ पर ये कहता है कि आप वक्त से पहले जो है वो इसको नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्योंकि जब तक लिस्टिंग मुकम्मल नहीं होगी तब तक यहाँ पर इनुमिरेशन ऐप में हम नहीं जा सकते। तो इसका एक मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, वही आपसे शेयर करनी है कि आप इसके अंदर कैसे जा सकते हैं और किस तरह से इसके अंदर से आप अपना ब्लॉक जो है वो निकाल लेंगे और आपको ये बताएगा कि ये आपका ब्लॉक है और ये आपकी ब्लॉक की हदूद हैं। आपने सबसे पहले ये करना है कि इंपोर्ट करें के ऊपर आपने क्लिक करनी है, यहाँ पर आपने हाँ के ऊपर क्लिक करनी है। यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लगेगा, उसके बाद आपको ये यहाँ पर मैसेज आएगा कि डाटा कामयाबी से हासिल कर लिया गया है, आप यहाँ पर ठीक है के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने जिस ब्लॉक की हदूद को समझना है उस ब्लॉक को आप ओपन कर लेंगे। तो उसके बाद आपने यहाँ पर ब्लॉक शुरू करें के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये आपको बता रहा है कि यू आर आउटसाइड ऑफ योर ब्लॉक, ऊपर मैसेज आ रहा है और आपको ये भी दिखा रहा है कि आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं। ये यहाँ पर आप देखें तो ये दिखा रहा है कि आप कहाँ पर मौजूद हैं और आपका ये ब्लॉक कहाँ पर मौजूद है। तो अब यहाँ पर आसान सा तरीका है जो आपने फॉलो करना है, उससे आपको आसानी से जो है वो आपका ब्लॉक समझ आ जाएगा। जब आपके पास टैब होगा और आप इस टैब को लेकर मूवमेंट करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं और आप इस वक्त कौन सी लोकेशन है, यानी आपने इस लोकेशन के साथ साथ चलते जाना है। जैसे ये आपको बताए कि आप ब्लॉक से बाहर हैं तो इसका मतलब है ये है कि वो एरिया जिस जगह पर आप मौजूद हैं वो आपके ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, आपने इसके अंदर जो है वो बाउंड्रीज़ के ऊपर चलते जाना है। और यहाँ यानी कि यहाँ पर ये आप एक साइड से शुरू कर लें, मिसाल के तौर पर ये एक कॉर्नर है, आप इस कॉर्नर से जो है वो शुरू कर लें, यानी कि क्या करना है आपने, आप यहाँ पर खड़े हैं तो आप यहाँ पर पैदल चल के यहाँ पर आएंगे और इस जगह पर जब आप आएंगे और इस नुक्कर के ऊपर ये जो आपका कॉर्नर है इसकी आप जो है वो कॉर्नर पे आ जाएंगे और यहाँ पर आपको वो बताएगा कि आप इस वक्त ब्लॉक के अंदर हैं। अभी वो ऊपर मैसेज लिखा हुआ यू आर आउटसाइड ऑफ योर ब्लॉक, यानी आप अपने ब्लॉक से बाहर हैं, तो आपने अपने ब्लॉक के अंदर जाना है। तो अंदर जाने के लिए ये होगा कि आप थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो चले जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अभी आप ब्लॉक के अंदर हैं। तो इस तरह फिर आप यहाँ से इस तरह चलते जाएंगे यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जब यहाँ से वो कहे कि आप बाहर चले गए तो इसका मतलब ये है कि आपकी यही आखिरी हद है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी आखिरी हद है। उसके बाद फिर इस साइड पर चलते जाएंगे यहाँ तक आ जाएंगे। जब वो आपसे कहे कि ये आप ब्लॉक से बाहर चले गए हैं तो इसका मतलब है कि वो आपकी ब्लॉक की आखिरी हद है। तो इसी तरह फिर आप चलते जाएंगे और ये आप अपने पूरे ब्लॉक का तय्यन करेंगे। ये जो आपने 24 से 28 का आपको टाइम मिला है तो उसके अंदर आपने यही काम करना है और उसका तरीकाकार ये है कि आप इस तरीके से आसानी से अपने ब्लॉक की जो हदूद हैं वो मुतय्यन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है कि जो बहुत ज़रूरी है, बाज़ दफ़ा ये अब आपको दिखा रहा है कि आप यहाँ पर हैं, आप थोड़ा सा इसको उसी जगह पर आप बेशक बैठे रहें और थोड़ा सा आप इसको जूम करेंगे या फिर आप क्लिक करेंगे तो ये हो सकता है आपकी लोकेशन आपको चेंज कर दे। किसी वक्त हो सकता है कि कहे कि आप यहाँ हैं और किसी वक्त हो सकता है आप चाहे वहीं पर मौजूद हों, लेकिन ये यहाँ आपको दिखा दे कि आप इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस चीज़ के लिए कॉमन सेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जिस लोकेशन पर आप मौजूद हैं, जिस पॉइंट पर आप मौजूद हैं, फिज़िकली आप उस जगह पर खड़े हैं, वहाँ पर आपने ये भी देखना है कि टैब मुझे क्या उसी जगह पर शो कर रहा है या टैब मुझे किसी इधर उधर जो है वो जगह पे शो कर रहा है। अगर जिस जगह पर आप फिज़िकली खड़े हैं अगर टैब में भी वही लोकेशन आ रही है तो इसका मतलब ये है कि एक्यूरेसी बिल्कुल ओके है और ये सही लोकेशन आपको दिखा रहा है। अगर आप किसी और लोकेशन पर खड़े हैं, टैब आपको दिखा रहा है कि आप इस लोकेशन पर नहीं हैं, किसी और लोकेशन पर आपको दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक्यूरेसी में फ़र्क आ रहा है और आपको थोड़ा देर वहाँ पे इंतज़ार करने की ज़रूरत है। जब आपको वो एक्यूरेट जगह दिखा दे उस वक्त आपने ये तय्यन करना है कि ये बिल्कुल ओके है। और इसी चीज़ का ख्याल रखते हुए आपने जियो टैगिंग भी करनी है कि जब आप टैग करने लगेंगे आप लोकेशन चेक करेंगे कि आपकी जो लोकेशन मैप के अंदर आ रही है, यानी यहाँ पर जो लोकेशन आ रही है और जो फिज़िकली जिस जगह पर आप खड़े हैं क्या वो सेम है। अगर वो सेम है तभी आप टैगिंग करेंगे। और अगर आप यही चीज़ आपने इधर भी चेक करनी है अपना जो ब्लॉक है वो हदूद देखने के लिए,
अगर जो लोकेशन आपको वहाँ पे दिखा रहा है अगर वही लोकेशन आपको यहाँ पर भी नज़र आ रही है तो फिर आप जो है वो अपने ब्लॉक की हदूद का तयन करेंगे। यहाँ पर आप इस लैंग्वेज को चेंज भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ज़बान तब्दील करें के ऊपर आप उर्दू के ऊपर भी जो है वो कर सकते हैं, तो आपकी ज़बान जो है वो उर्दू हो जाएगी। इंग्लिश करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश में कर सकते हैं, तो जिस तरह आपको आसानी हो आप कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह दूसरा ब्लॉक भी आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको दिखा देगा कि आप किस जगह पर हैं और आपका ब्लॉक कहाँ पर है, तो ये आपको आसानी से जो है वो पता चल जाएगा। तो ये एक आसान तरीन तरीका है। इस तरीके से के अलावा और कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप अपने ब्लॉक की हदूद जो है वो मुतय्यन कर सकें। एक और तरीका मैंने बताया था, वो भी आपके काफ़ी काम आएगा। वो कुछ टीचर्स जो हैं शायद उनको समझ नहीं आई, तो उन्होंने उसके ऊपर कहा है कि इससे का तो फ़ायदा नहीं है, अगर हमने मोबाइल से ही देखना है तो फिर हमने जो है वो किस तरह से फिर करेंगे। तो वो तरीका ये था कि आप अपने मोबाइल का जो GPS है वो आप वहाँ से ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ पर अब देखें ना ये मैप काफ़ी इनविजिबल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत मध्यम है मैप, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल से मैप ओपन करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी विजिबल है, यानी हर चीज़ की आसानी से समझ आ रही होती है कि ये कौन सी जगह है। अब यहाँ से लोकेशन को ढूंढना या जगह का तयन करना बड़ा मुश्किल होता है, नज़र नहीं आ इतना पता नहीं चलता कि ये कौन सी जगह है, लेकिन आपके जब गूगल मैप ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, बहुत ज़्यादा आसानी से आप वहाँ पर जो है आपको मैप नज़र आएगा। तो उसको भी साथ लेकर आप उसकी हेल्प से भी बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो साथ में GPS मैप गूगल का भी ऑन रखें, ये भी आप ऑन करें और इससे आप अपनी हदूद का आसानी से तयन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये मैप वाला इशू जो है वो आपका सॉल्व हो गया होगा। सेंसेस के हवाले से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें पाकिस्तान भर से जो इनुमिरेटर्स हैं वो उसमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि उस ग्रुप का बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि सब लोग जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे होंगे और आपके जो मसाइल हैं जो सवाल हैं वो एक दूसरे से आप शेयर करेंगे, एक दूसरे से आप उनकी हेल्प से जो है वो अपने मसाइल जो है वो हल करेंगे। तो अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और अपने जो जितने भी सवालात हैं जो प्रॉब्लम्स हैं आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।